चिल्ड्रेन होप यू ऑल डूंगीडर्स एवरी डे एनिमल्स लाइक एलिट्रॉफ एंडल लाइक मंकी रेपिट स्नील स्मॉल इन साइज हम अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं कुछ आपके छोटे एनिमल होते हैं यानी साइज में छोटे होते हैं और कुछ आपके बड़े होते हैं ऑलवेज रिमेंबर ब्लू व्हील इज लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड एलिफेंट इज द बिग्गेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड ब्लू वेल जो है आपकी लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड एंड एलिफेंट जो है आपका वो बिग्स्ट लैंड एनिमल है इन द वर्ल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स एनिमल्स दैट आर कैप्टड होम लाइक डॉग कैट पैरट रैबिट एटसेट्रा आर कॉल पैट एनिमल्स एनिमल्स आर कैप्टेड फार्म लाइक गोट चीप हॉर्स टंकी एटसेट्रा आर कॉल डोमेस्टिक एनिमल्स पैट एनिमल्स आपके वो होते हैं जिन्हें हम घरों में रखते हैं एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आपके वो होते हैं जिन्हें हम फार्म्स में रखते हैं वट डू एनिमल्स ईट एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड एनिमल्स लाइक काउज हॉर्सेस एलिफेंट्स गोट एट्सेट्रा ईट प्लान एंड अदर प्रोडक्ट्स दे आर कॉल्ड हर्बी फोर्स एनिमल्स लाइक लाइन्स क्रोकोडाइव एट्सेट्रा ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स अब देखिए एनिमल्स क्या खाते हैं या तो वो प्लाट्स खाते हैं एनिमल्स खाते हैं तो देखिए कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं आपके जो प्लांट या उनके प्रोडक्ट खाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं हर्बी फोर्स एंड कार्निवर्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं

टीथ हेल्प टू टेल द फ्लैश दे हैव स्ट्रॉन्ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ अब देखिए डिफरेंट एनिमल्स क्योंकि डिफरेंट खाना खाते हैं तो उनके एक्चुअली उनका माउथ जो फ्रंट माउथ होता है वो जिस तरह का खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है जैसे कि अगर हर्वी हर ओर्स की बात करें तो ये क्या खाते हैं आपके ग्रास खाते हैं राइट या प्लांट्स खाते हैं तो ये क्या करते हैं कि अपने खाने को पहले से सॉलो कर देते हैं बिना उसको चूके और जब वो रेस्ट कर रहे हो तो, तो अपना वापस खाना वापस मुंह में लेके आते एंड देन इसको थर्ली चू करते हैं ग्राइंड करते अपनी टीथ से तो इसे कहा जाता है चूंग द कर आपके जो कार्निवोर्स होते हैं अब क्योंकि वो फ्लैश खाते हैं तो उनके जो टीथ होते, काफी शार्प, होते हैं काफी शार्पटेड और थोड़े से हैव शार्प फ्रंट टीथ अब रैबिट्स को आपने देखा होगा ये अपने एंड सीड्स को निबल करती है और तो इन्हें इनके काफी शार्प फ्रंट टीथ होते हैं ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉग्स एंड देयर लॉन्ग एंड स्टिकी टंग टू कैच देयर फूड एज होल फ्रॉग्स एंड लेजर्ट्स की टांग देखना बहुत लंबी सी होती है और काफी स्टिकी होती है जैसे कि वो इन्सेक्ट को कैच करते हैं टी रू बटरफ्लाई सक नेक्टर फ्रॉम फ्लॉर्स लीचेज एंड मस्कीटोज सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स बटरफ्लाई जो है फ्लार का नेक्टो सक करती है एंड आपके जो लीचेज या मस्कीटोज होते हैं वो क्या करते हैं दूसरे एनिमल्स का ब्लड सक करते हैं टेल्स ऑफ एनिमल्स एनिमल यूज देर टेल्स फॉर डिफरेंट परपसेज अब एनिमल्स की टेल्स का भी डिफरेंट पर्पज है अगर हम टॉक की बात करें तो ये अपनी टेल को मूव करता है किस लिए टू शो लव एंग एंड बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स अपनी टेल्स का यूज करती हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए और ये डायरेक्शन चेंज कब करते हैं वेन दे फ्लाई फिश अपनी टेल का यूज करती है फॉर स्विमिंग एंड मंकी इसलिए यूज करते हैं वो एक्चुअली अपनी टेल का यूज करते हैं जब वो वन ब्रांच टू एनअदर्स स्विंग करते हैं एक्सटिंट एनिमल्स देयर आर सम एनिमल्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड दे लिव हंड्रेड ऑफ यस अगो सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स सम ऑफ देम आर डायनासॉर्स मेमथ डू डू एट्सेट्रा अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हजारों साल पहले तो रहते थे बट आज के टाइम पे वो नहीं है जैसे कि आपके एनिमल हम तो हमारे लिए कितने यूजफुल होते हैं जैसे डॉग देखिए हमारे घर की रक्षा करता है गार्ड करता है काव हमें मिल्क देती है शीप से हमें वूल मिलता है एंड कैट क्या करती है कैट से हमें हनी मिलता है गोट से हमें मिल्क मिलता है एज वेल एज मीट भी मिलता है ऑलवेज रिमेंबर इन कंट्रीज स्पेशली ट्रेन गाइड डॉग्स द विजुअली चैलेंज पीपल अच्छा कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि जो स्पेशली ट्रेन आपके डॉग्स होते हैं वो विजुअली चैलेंज पीपल यानी जो लोग देख नहीं सकते उनकी हेल्प करते हैं री गैप एनिमल किंगडम हैज अ वाइटी ऑफ बिग एंड स्मॉल एनिमल्स विच आर फाउन लैंड इन water एंड इन द एयर डोमेस्टिक एनिमल्स are यूजफुल to us एनिमल्स डिपेंड ऑन plants एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड एनिमल्स यूज their टेल्स फॉर डिफरेंट purposes देयर आर सम एनिमल्स which हैव बिकम extinct फ्रॉम द वर्ल्ड एनिमल्स are यूजफुल to us इन मेनी ways देखिए आपके इतने सारे एनिमल्स इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं कुछ आपके लैंड में होते हैं कुछ वाटर में होते हैं कुछ एयर में होते हैं और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं चिल्ड्रन आई होप आपको चैप्टर समझ आएगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे